इसमें दो चीजें थी जो सर्विलेंस है, इसमें हमारे आला अधिकारी उनका भी आईजी ट्रैफिक डीआईजी ट्रैफिक सर का पता कि हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वाल्व करें हाईवे पर लाएं जिसके हमको ट्रैफिक मैनेजमेंट उसकी रेगुलेशन में आसानी हो। इसमें जो मेन थ्रस्ट है वो रेगुलेशन पर है, सेकंड थ्रस्ट इन्फोर्समेंट पर है। जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, रेगुलेशन का मतलब है कैमरे उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां पर ट्रैफिक का कंजेशन बनता है। आपके साथ कुछ छुपा नहीं है, दलवास में कैमरा है, मेहाड़ में लगाया गया है, जिखैनी चौक में लगाया गया है, अपना कट पॉइंट पनिहार में लगाया गया है, शालगढ़ी में हमारा कैमरा है, T2 के पॉइंट पर कैमरा है, मिनी नेस पर कैमरा है। कोशिश करा गया है कि कैमरे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर रहें जो दाएं बाएं घूम के 3 से 4 किलोमीटर का इलाका देखें और ये कैमरे हमारा ट्रैफिक कंट्रोल जो ड्रामबन लगातार मॉनिटर करता रहता है और उस कैमरे के आउटपुट के हिसाब से वो फील्ड एजेंसीज को डायरेक्शन करता रहता है कि कहां पर कंजेशन बढ़ रहा है, कहां पर कोई गाड़ी खराब हो गई है, कहां पर कोई और मसला हो गया है, जहां कहां पर कोई बड़ा एक्सीडेंट छोटा एक्सीडेंट हो गया है, ताकि हम रश करके अपने लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट के साथ लेकर रोड को फौरन थ्रू कर सकें। दूसरा, कोई ऐसी गाड़ी जो किसी को हिट करके निकली हो तो उसका एनफोर्समेंट भी हो जाता है और आपको किसी वायलेटर को पकड़ने में आसानी हो जाता है। अभी हमने 10 कैमरा एज ए पायलट प्लेट लगाए हैं और इन फ्यूचर हम और भी जगह देख रहे हैं, क्योंकि हम कैमरा लगाने के साथ साथ हमें नेशनल हाईवे की अलाइनमेंट को भी स्टडी करना पड़ता है कि कहां पर हाईवे जो आज यहां पर निकल रहा है कल को कहीं टनल आ रहा है, कहीं कोई बाईपास कर रहा है, लेकिन हम फर्दर इसको इन फ्यूचर कोर्स में अपने जो फील्ड स्टाफ आउटपुट लेकर शायद 5-6 जगहों पर और जो कैमरे लगाएंगे, दो कारणों के लिए, अच्छी रेगुलेशन के लिए और अच्छी इन्फोर्समेंट के लिए।